अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 मैटर, इसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते एज अ समरी के तौर पर, ताकि आप तमाम बच्चों को पता लग जाए कि हमने क्या क्या चीजें स्टडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हमने मॉलिकुलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की स्टडी की थी, जिसमें पॉइंट नंबर 4, 5 और 6 बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये बताया गया है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद हमने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था इलास्टिसिटी, और ये वो फिनोमेना होता है कि जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं या प्रेशर लगाते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है, और जब हम वो फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो चीज अपनी ओरिजिनल शेप पर वापस आ जाती है। ये चीज जिस मटेरियल में मौजूद होती है उसमें इलास्टिसिटी मौजूद होती है, लेकिन ये तमाम इलास्टिसिटी जो है वो विद इन इलास्टिक लिमिट जो है वो काम करती है। इसके बाद हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, और इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप प्रोड्यूस बाय द बॉडी ड्यू टू स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन, और इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन डेल्टा एल अपॉन एल। इसके बाद हमने काइंड ऑफ स्ट्रेन भी स्टडी किया था, और फिर हमने डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस और स्ट्रेन भी स्टडी किया था। इसके बाद हमने हुक्स लॉ को स्टडी किया था, हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, और ये एक आपका प्रैक्टिकल भी है। फिर इसके बाद हमने यंग मॉडुलस को स्टडी किया था, द रेशियो बिटवीन द स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस एंड इट इज डिनोटेड बाय वाई। इसके बाद हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर एंड इट एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर एंड इट इज कॉल्ड पास्कल। और फ्लूड के बारे में हमने स्टडी किया था, फ्लूड अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो इन अ पाइप बाय वर्च्यू ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड फ्लूड। और फिर हमने एक डेरिवेशन सॉल्व की थी जिसको हम कहते हैं प्रेशर इन लिक्विड, और जो हमने कैलकुलेट किया था प्रेशर इन लिक्विड जो है वो एक डिवाइस वहां पे भी रखी, प्रेशर इन लिक्विड जो है वो P इज इक्वल टू रॉ एच जी के बराबर होता है। रॉ जो है वो लिक्विड डेंसिटी को कहते हैं, जी जो है वो ग्रेविटी है, एच जो है वो हाइट। कल जो हमने टॉपिक स्टडी किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्कल प्रिंसिपल और इसकी एप्लीकेशन। पास्कल प्रिंसिपल क्या है कि इन अ कंटेनर लिक्विड एग्जर्ट अ प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। फिर हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, इसकी पहली एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर इन गैसेस। प्रेशर इन गैसेस, इफ वी वेट एनी एम्प्टी बलून देन द वेट अगेन आफ्टर फिलिंग इट विद द एयर वी कंक्लूड दैट द एयर पोजेस वेट। अगर हम एक खाली बलून का वेट करें और फिर इसमें एयर भर लें और उसका वेट करें तो हमें ये नतीजा मिलेगा कि हवा का कुछ वजन होता है। इन द सेम वे दे विल बी लॉस ऑफ वेट इफ एयर इज टेकन आउट, और जब हम गुब्बारे में से हवा को निकाल लें तो उसका वेट कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कि
इससे हमें ये बात पता लगी कि जब एयर जो है बलून में होती है तो वो प्रेशर क्रिएट करती है, प्रेशर डालती है वॉल्स ऑफ द बलून के ऊपर। तो जैसा देखिए आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है, इस डायग्राम में एक कंटेनर है जहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स एयर के दिखाए गए हैं और यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है। तो देखिए ये एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जाके टकरा के इस तरफ आ रहा है, एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है और इससे टकरा के वापस इस तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम इसका एरिया या वॉल्यूम कम कर दें तो अब ये देखें कि अब इसके अंदर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया। अब आप देखें ये स्ट्राइक यहाँ से करके यहाँ पे जाएगा, ये स्ट्राइक यहाँ से करके इस तरफ आएगा, तो इसका मतलब है कि ये कंटेनर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट द सी लेवल द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 पावर 5 पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? हम जिस दुनिया में रह रहे हैं तो हमारे ऊपर एक हवा का दबाव है और वो दबाव होता है 760 mm of Hg। अगर हम सतह समंदर के पास रहते हैं और अगर हम एक ऐसे इलाके में चले जाएं जहाँ पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर हम सतह समंदर से ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरह अगर हम ज़मीन के अंदर की तरफ जाएंगे तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा। ये प्रेशर कुदरती तौर पर हम इसके आदि हो चुके हैं, हमारा जिस्म इस प्रेशर के का आदि बन चुका है और हमारी जो पूरी इन्वायरमेंट है इस प्रेशर का आदि है। अगर ये प्रेशर बढ़ता है तो हमारी जिस्म पर भी इसके असरात होंगे। चलें अब हम एक थर्मामीटर आपको समझा रहे हैं, उसको कहते हैं डिफाइन बैरोमीटर। बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देयर आर टू टाइप ऑफ बैरोमीटर, मर्करी बैरोमीटर एंड एंड्रॉयड बैरोमीटर। मर्करी बैरोमीटर की तस्वीर सामने आपके पास दी हुई है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके अंदर 100 सेंटीमीटर की एक ट्यूब है, इसके अंदर मर्करी है और हम इसको फिल कर लेते हैं और इस ट्रफ में उल्टा कर देते हैं और जब हम उल्टा करते हैं तो हम ये देखते हैं ये कम्प्लीटली ऊपर तक फिल्ड होती है और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी और ये 76 सेंटीमीटर के ऊपर रुक जाएगी। भाई ये क्यों रुक गई? और ये एक्सपेरिमेंट बार बार किए गए। जब ये एक्सपेरिमेंट बार बार किए गए तो पता लगा कि ये जो मरकरी है इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये मज़ीद ऊपर की तरफ नहीं जा रही और इससे हमें पता लगा कि हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो 76 सेंटीमीटर और या इसको हम बोलते हैं 760 mm of Hg कहते हैं। इसकी मज़ीद अच्छी तस्वीर जो है ये आपके सामने मौजूद है जहाँ पे हमने मरकरी के प्रेशर दिखाया गया है जो इक्वल हो रहा है एयर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाया गया है। और ये मरकरी आपके पास दिखाई दे, इसकी कंस्ट्रक्शन देखें। द मरकरी बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ 1 meter लॉन्ग ग्लास
tube close at one end and a mercury bath working. Fill the tube with the mercury, cover the open end with the thumb firmly and invert the tube in the vessel of container mercury. Remove the thumb. The sum of the mercury will fill the vessel and the length of the mercury. The column of the tube is referred as the atmospheric pressure, which is 760 mm. 180 mm mean one atmospheric pressure is equal to 760 mm of Hg. और इसमें हम मरकरी भी लिख सकते हैं. ये है एंड्रॉइड बैरोमीटर. द सेकंड ट्राइब इट कंसिस्ट ऑफ अ पार्शियली इक्विप्ड ग्रेजिट स्टील बॉक्स. जैसा कि आप यहां पे देखें, यहां पर ये इसकी ये जो है ये स्प्रिंग लगा हुआ है और ये इसके साथ एक लीवर है और ये बॉक्स है इसका, विच इज अटैच विद द स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग एंड द सिस्टम ऑफ लीवर एंड द पॉइंटर वर्किंग द प्रेशर. व्हेन द एयर प्रेशर राइज एट द टॉप ऑफ द बॉक्स इज प्रेस इनवर्ड एंड व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज द टॉप मूव अपवर्ड. The movement of the lever move the pointer and calibrate the scale. इसके मुताबिक हमने एक स्केल बनाया होता है और इससे हम इसकी रीडिंग नोट करते हैं. अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इस साइंटिस्ट के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेटमेंट. When the object is immersed in any liquid, immersed का मतलब ये होता है कि एक ऐसा solid object जो पानी में घुले ना, liquid में घुले ना, सही है? Liquid an upthrust act upon it. तो एक upthrust इसके ऊपर act करती है, which is equal to the weight of the liquid displaced by the object. जो उस weight के equal होती है जो body पर लगता है. upthrust जो होता है weight of the liquid displaced, यानी जो weight जो object जो है पानी को displace करता है उतना upthrust होता है. मिसाल के तौर पर ये चीज आपने एक्सपीरियंस की होगी, जब आप स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं या फुटबॉल वगैरह खेलते हैं तो आप जो है फुटबॉल को अंदर की तरफ डालने लगते हैं तो वो ऊपर की तरफ आता है, वो अपथ्रस्ट कहलाता है. तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक तस्वीर दी हुई है, जरा इसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक 20 न्यूटन का एक ऑब्जेक्ट है और हमने इसको इमर्स किया पानी के अंदर और ये जो है स्केल लगा हुआ है, वेट नोट कर रहा है. जैसे हमने इसको पानी में अंदर डाला तो यहाँ पे देखें रीडिंग क्या होगी, 1 न्यूटन हो गई, सॉरी यहाँ पे हो गई 14 न्यूटन, यहाँ पे थी 20 और यहाँ पे पानी में डाला ना तो ये हल्का हो गया थोड़ा सा, क्योंकि पानी इसको ऊपर की तरफ उछाल रहा है. और देखिए यहाँ पे एक ट्यूब लगी हुई है और ट्यूब से ये पानी जो है बाहर निकल आ गया. ये वो लिक्विड है जो डिस्प्लेस हुआ था इस लिक्विड इस सॉलिड को अंदर डालते वक्त. अगर हम इसको मजीद अंदर की तरफ डालेंगे तो यहाँ पे स्केल की रीडिंग देखें, यहाँ पे हो गई 10 न्यूटन और मजीद पानी जो है वो जो डिस्प्लेस हुआ वो यहाँ पे बीकर में हमने जमा कर दिया. अब आप गौर से देखें कि पानी का हवा में वजन 20 न्यूटन था, लिक्विड में थोड़ा सा इसको आपने डाला तो इसका 14 न्यूटन हो गया और आपने इसको मजीद इसको पानी के अंदर डाला तो इसका न्यूटन वेट जो है वो 10 न्यूटन हो गया.
यानी पानी जो है इसको ऊपर की तरफ उछाल रहा है। तो आए इसके बारे में स्टडी करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन पढ़ते हैं कि इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी। To verify the statement of Archimedes's principle, consider the uniform cylinder of cross section area A. यानी उसका जो एरिया है वो A होगा. Immerse in the liquid density P. P नहीं है, इसको हम रॉ पढ़ेंगे और इसका सिंबल मैं यहाँ पे आपको थोड़ा पॉइंट आउट कर देता हूँ तो आपको आसानी होगी. ये जो सिंबल है इसका, ये जो बीच में लगा हुआ है P जैसा बना हुआ है, ये इसको कहते हैं. Let it upper force is at the depth h, सही है, and the lower force is h1. Upper force क्या है? h1 है और lower force क्या है? h2 है. The pressure of liquid at the top वो होगा h1 raw g और bottom पे क्या होगा? h2 raw g. Liquid density को raw पढ़ते हैं. The force is produced is the product of pressure and area. The force acting upward is P multiplied by A. तो हम क्या मतलब यहाँ पे पहली फोर्स कैलकुलेट करेंगे. F1 is equal to H1 raw G और A. Downward जो फोर्स है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, वो बराबर हो जाएगी F2 is equal to H2 raw G A. अब थ्रस्ट मालूम करने के लिए F2 को F1 को F2 से माइनस करना पड़ेगा. ये हमने माइनस किया H1 raw GA माइनस H2 raw GA. तो यहाँ पे देखिए कॉमन चीजें क्या हैं, A raw G और ये क्या होगा H2 H1 माइनस H2. इससे हमें क्या मिलेगा? हाइट का डिफरेंस मिलेगा. तो वो हमने हाइट का डिफरेंस है H के बराबर. तो हमारे पास अब थ्रस्ट जो है इस टाइम हमारे पास किसके बराबर आ गया? ए एच रॉ जी के बराबर आ गया. अब हमें मालूम है कि वॉल्यूम जो है बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट के. वॉल्यूम के अंदर तीन चीजें होती हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और लेंथ इनटू ब्रेथ जो है वो क्या होती है? एरिया के बराबर होती है. तो एरिया और एच जो है वो हाइट हो गई, तो ये वॉल्यूम के बराबर हो गया. तो अब थ्रस्ट जो है वो बराबर हो जाएगा वॉल्यूम यानी V raw G के बराबर. इसी तरह से वॉल्यूम जो है V के बराबर है और raw जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर है. तो अब यहां पर ये किस चीज के बराबर होगा? मास के बराबर होगा. वी नो दैट मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी. किसके बराबर हो जाएगा? एम के बराबर हो जाएगा. और यहाँ पे अब यानी हम वी और रॉ की जगह क्या लिख देंगे? एम जी के बराबर लिख देंगे. और इससे हमें अपथ्रश मिलेगी, यानी अपथ्रश जो होगी वो वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगी, वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर होगी जो डिस्प्लेस हुआ था. यानी जो अपथ्रश होगी वो वेट ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड बाय द सिलेंडर. तो वेट इज W is the weight of the liquid displaced by the cylinder, which is equal to the upthrust. Hence, Archimedes' principle is verified. तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है. इसके बाद मजीद हमने यहाँ पर कुछ चीजें स्टडी करनी है. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. आप मैट्रिक के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको इसकी स्टेटमेंट और इसका फॉर्मूला ज़रूर याद करना चाहिए. लेकिन अगर आप नाइन्थ के स्टूडेंट हैं तो आप तो इसको कम्प्लीटली याद कर लें, क्योंकि ये चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से हैं. जो लेंदी क्वेश्चन हैं उसके हिसाब से ये आप पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो आपको इसको याद करना चाहिए अच्छे तरीके से. अभी मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने माइक्स खोल के कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कर लें, या अगर आप कोई चैट करना चाहते हैं चैट कर लें, मैं ताकि आपका पढ़कर आपका आंसर आपको जवाब दे दूं. चैट बॉक्स में ऑन कर रहा हूं.
Any question? जी बिल्कुल जरूर, कल का जो लेक्चर था वो भी मैंने अपलोड कर दिया था और इसकी जो पिछली वीडियोस हैं वो भी अवेलेबल हैं, तो आप जरूर देख लें। मैं इसको भी इंशाल्लाह जो है वो अपलोड कर दूंगा। एनीथिंग एल्स? ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू सून, टेक केयर।